उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ एक स्थिति ये है कि लोग नई तकनीक को अपनाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। प्राकृतिक स्वर्ग में आ चुके हैं जहाँ चारों तरफ आपको हरियाली दिख रही होगी, ऑर्गेनिक तरीके से किया जाए। उसके अलावा किसान भाइयों को इसके संबंध में जितनी हो सके उतनी जानकारी दी जाए। भाइयों, कभी जिया करो किसान की जिंदगी, वरना लोग महलों में रहकर भी परेशान रहते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने के लिए आए हुए हैं जिन्होंने महलों में रहने के बाद भी किसान के दर्द को समझा और एक ऐसा प्रयास किया कि भाई उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ एक स्थिति ये है कि लोग नई तकनीक को अपनाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो उन्होंने ये स्टार्टिंग की कि पहले मैं तकनीक को अपनाऊंगा, नई तरीके से खेती करके चलूंगा। फिर उन्होंने बीड़ा उठाया कि भाई किसानों को जागरूक करना है और इस नई कृषि के संबंध में लोगों को बताना है ताकि भाई अपना किसान खुशहाल हो सके, जिससे कि अपना देश खुशहाल हो सके। तो हम देर ना करते हुए मिलते हैं अनिल शर्मा जी से। तो अनिल जी, स्वागत है आपका श्रीजी बिजनेस आइडियाज में। सबसे पहले आप हमारे भाइयों को ये बता के चलिए, अपने बारे में कुछ डिटेल बताइए और उसके अलावा आपके जहन में ये प्लान कैसे आया कि इस तरह का हमें कुछ सेटअप स्टार्ट करना है। मैं अनिल शर्मा, यहीं नगला कली गाँव का निवासी हूँ। प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ मैं, और हम जो एनवायरमेंट फ्रेंडली कॉलोनी भी इससे फार्म से लगी हुई बना रहे हैं, जिसमें कि पूरी तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग STP और उसमें डेंस प्लांटेशन करके कर रहे हैं। वो हम किसान परिवार से ही बिलोंग करते हैं, बेसिक फंडामेंटल तो जानते थे किसानी खेती का। इसको जो संरक्षित फार्मिंग के लिए हमने बहुत सारी जानकारियाँ मिली, तो गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है इसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफ़ी योजनाएँ हैं जिसमें कि एक किसान को सपोर्ट रहती है, पर अवेयरनेस नहीं है उस वजह से। इसीलिए हमने संरक्षित फार्मिंग शुरू की यहाँ, और किसानों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो गाइडेंस प्रोग्राम है वो भी चलाएं। हम श्री श्री रविशंकर जी का गौ आधारित कृषि है, जिसपे एक गाय से 33 एकड़ खेती की जा सकती है गौमूत्र और गौ गोबर से। उसके लिए भी हम यहाँ कार्यक्रम जो एक दो दिन में यहाँ होगा, और वहाँ उनके योगाचार्य आएंगे जो यहाँ किसानों को ट्रेनिंग के लिए कैंप रखेंगे और समय समय पर कैंप रहा करेंगे। जी जी जी, भाइयों देख के चल रहे हैं आप, आजकल की जो युवा पीढ़ी है भाई, वो खेती आ रही है और किसान के काम को कुछ मान के नहीं चल रही, करके नहीं चलना चाह रही। यहाँ पर देखिए, प्रोफेशन से ये लॉयर हैं, उसके अलावा प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड इनका बड़ा काम है, पूरी कॉलोनी सोसाइटी डेवलप कर चुके हैं। उसके बाद भी इनके मन में ऐसा विचार आया कि भाई किसानों के भले के लिए कुछ करना चाहिए और इस तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। आपने कुछ पॉली हाउसेज, नेट हाउसेज देखे होंगे जहाँ पर के भाई खेती तो हो रही है लेकिन उसमें पेस्टिसाइड और वो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ होते हैं जो केमिकल वाले हैं। यहाँ पर वकील साहब का पूरा प्लान है ऑर्गेनिक तरीके से किया जाए। उसके अलावा किसान भाइयों को इसके संबंध में जितनी हो सके उतनी जानकारी दी जाए। तो वकील साहब, ये अपना जो नेट हाउस है वो किस साइज में अभी बनवाया हुआ है आपने? ये जो हमारा 6000 मीटर स्क्वायर एरिया में नेट हाउस है 1.5 एकड़ में। अच्छा, जिसमें कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से सपोर्ट से ये बना है, जिसमें कलर कैप्सिकम येलो रेड और ग्रीन हो रहा है। अरे एक चीज़ और जानना चाहूँगा वकील साहब कि हमने पॉली हाउसेस तो देखे थे, पॉली हाउस में और नेट हाउस में क्या अंतर रहता है? हाँ, पॉली हाउस और नेट हाउस मेनली इसमें अंतर ये है कि यहाँ हमारे यहाँ टेम्परेचर रहता है ज़्यादा। जी, पॉली हाउस वहाँ लगाना ज़्यादा बेटर है जहाँ टेम्परेचर कम रहता है, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में J&K है, हिमाचल है, वहाँ बेटर रहता है, क्योंकि वहाँ सर्दी ज़्यादा होने की वजह से कुछ फसलें तो हो ही नहीं सकती हैं, और कुछ फसलें होती हैं तो प्रभावित रहती हैं सर्दी से। जी, उसमें तो वहाँ पॉली हाउस लगाना बेटर है, उसमें कंट्रोल्ड क्लाइमेट रखा जा सकता है, परंतु यहाँ टेम्परेचर करीब करीब 8 से 9 महीने या टेम्परेचर 35 को या उससे प्लस रहता है। जी, ये कीट से संरक्षित हो जाता है और बाकी बीमारियां जो होती हैं उससे संरक्षित तो किया जा सकता है, परंतु टेम्परेचर है, जैसे कि एयर फ्लो है, बरसात का है, पूरा पानी इसमें मिलता है, तो नेचुरल जो प्रोसेस है उसी से होता है, वो आर्टिफिशियली तरीके से है। अच्छा, और उसमें कंट्रोल करके उसमें भी फसल अच्छी की जा सकती है, परंतु पूर्णतः प्राकृतिक रूप से इसमें हो नहीं हो पाती। इस वाली अपने में बारिश का भी पानी मिलता है, नेचुरल सनलाइट भी पूरी पूरी मिलती है, इस वजह से फार्मिंग और अच्छी रहती है। उसके अलावा एक चीज जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि नेट हाउस में टेम्परेचर ज़्यादा कम रहता है पॉली हाउस की अपेक्षा। जी, इसमें जो एटमोसफियर में जो टेम्परेचर है वही रहता है। जी जी, पॉली हाउस में टेम्परेचर अगर
40 डिग्री हो जाएगा तो उसमें 55-60 डिग्री तक हो जाएगा। हाँ, वो पूरी तरह से फिर उसको फॉगर चला के या और जो आर्टिफिशियल तरीके से मेंटेन करना पड़ता है जी। जबकि इसमें जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है ओवरऑल यहाँ वही रहता है, इसमें ज़रूरत पर फॉगर चला के थोड़ा कंट्रोल कर देते हैं, सब लगे हुए हैं इसमें फॉगर, इसमें हो जाता है ये। तो वकील साहब अपना ये अपना नेट हाउस हमें ज़रा दिखाइए और डिटेल बताइए कि क्या क्या हो रहा है अभी इसमें। तो यहाँ से हमारे नेट हाउस की एंट्री स्टार्ट हो जाती है जी। अब नेट हाउस में स्टार्टिंग में यहाँ पे ये एक रूम बनवाया हुआ है, इसका क्या पर्पज रहता है वकील साहब? इसका पर्पज ये है कि ये दो गेट लगाए हुए हैं, एक गेट ये है एक ये है, जब इसमें एंटर करना है तो इसको खोलें वो बंद रहेगा। अच्छा। इसमें जो कीट होते हैं बाहर से उनको कंट्रोल करने के लिए मेनली रहता है ये नेट हाउस संरक्षित फार्मिंग, तो इसमें इसको ओपन करके एंटर करें वो बंद है, इसको क्लोज कर दें फिर वो ओपन करें। अच्छा, तो इसमें डायरेक्ट एंट्री से कीट और जो नुकसानदायक जो वो है उनसे हम बचे रहे, उससे बचे रहते हैं। आइए आइए भाइयों अंदर आइए। भाइयों पहला गेट बंद करने के बाद ही आपको दूसरा गेट ओपन करना है ताकि किसी भी तरह का कोई कीट पतंगा कोई हानिकारक बग अंदर ना आए जो कि आपकी फसल को नुकसान ना पहुंचाए। अब भाई हम एक तरह से कह सकते हैं हम बहुत ही प्राकृतिक स्वर्ग में आ चुके हैं जहां चारों तरफ आपको हरियाली दिख रही होगी, और वकील साहब इसके बारे में और डिटेल बताएंगे कि अभी किस किस की फसल लगी हुई है इसमें। कलर कैप्सिकम रेड और येलो और ग्रीन कैप्सिकम लगी है। तो अभी हमें ये कैप्सिकम दिख रही है, इसको कितना समय हो गया लगे हुए? ये थोड़ा हम इस बार हमारा लेट हो गया, ये हमने नवंबर में लगाई है और इसमें हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, और पूरी तरह से ये गो आधारित और ऑर्गेनिक पैटर्न पर की जा रही है जी। इस दौरान जो पता लगा हमें कि जो हमारी जो पॉइजनस यानी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं जो कि अतिशय इस्तेमाल होता है खासकर इसमें कैप्सिकम में जी जी, कैंसर का भी कारण है ये। पंजाब में जो एक निश्चित क्षेत्र है वहाँ कैंसर के बहुत बहुत पेशेंट हैं, कैंसर ट्रेन भी चलती है, है कैंसर ट्रेन भी चलती है जो राजस्थान इलाज के लिए जाते हैं। उसका रीजन ये है कि वहाँ फसल बहुत अच्छे स्तर पर होती है जी। बट वहाँ अतिशय केमिकल पेस्टिसाइड्स का केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है और ये जो सॉयल है हमारी उसको खराब कर देता है और उस पर पूर्णतः डिपेंडेंट हो जाते हैं उसी को इस्तेमाल करने के लिए। उसमें अगर देसी खाद पड़ेगा और उसके साथ साथ हम जो जीवामृत है और अग्नि अमृत है वो डाल के उसको हम जो पुराने पैटर्न था पारंपरिक खेती उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भाइयों कुछ किसानों के मन में ये चीज़ हो गई कि जब तक हम केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे हम कोई फसल नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वकील साहब ने किस तरह से बिना किसी भी केमिकल का यूज़ किए ऑर्गेनिक तरीके से फसल कर रखी है। फ्रूटिंग भी इतनी ज़बरदस्त हो रही है, मैं आपको पास से दिखाऊंगा, जम के फ्रूटिंग हो रही है सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके। अब अगर आप किसान हैं तो इस चीज़ को विशेष रूप से गौर करके देखिए कि भाइयों फर्टिलाइजर्स का केमिकल्स का यूज़ कम से कम करके चलिए, क्योंकि जो व्यक्ति उसको खाएगा कंज्यूम करेगा चाहे बच्चे सही चाहे बड़े सही, बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियाँ हो रही हैं, कैंसर तक की जैसी समस्याएँ हो रही हैं उसकी वजह से। और अगर आप कंज्यूमर हैं तो प्रयास कीजिए कि अगर आपके आसपास में कोई भी भाई इस तरह का प्रयास करके चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग करके चल रहा है, भले ही चीज़ 2 रुपये महंगी मिले लेकिन उससे आपका स्वास्थ्य सही रहेगा और आपका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा, निरोगी काया रहेगी और लंबी उम्र जिएंगे। तो उस जगह से आप इस तरह की चीज़ों को परचेज करके चलिए। बाकी साहब कुछ लोग आपके यहाँ से भी परचेज करके ले जाते हैं आम कंज्यूमर वगैरह? यहाँ हम जो हमारा ये फार्म हाउस सिचुएटेड है ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच है जी। यहाँ से 10 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस में पूरा डेवलपमेंट हो चुका है। यहाँ पर जो आसपास की कॉलोनीज के लोग यहाँ आते हैं लेके जाते हैं और उन्हें जब निकाल के हार्वेस्ट करके दी जाती है कोई भी फसल तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। तो बाकी साहब एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप जैसे प्रोफेशन में थे, आप पूरा लॉयर का वर्क अभी भी आपका चल रहा है, तो कैसे पूरा परिवार का सहयोग मिला और कौन कौन इसमें आपके साथ है, किस तरह से आपने इसको पूरे सेटअप को स्टार्ट किया? ये हमारे पिताजी हैं उनके पसंद का कार्य है जी जी। जब इस कार्य के लिए हमने विचार किया तो वो बहुत प्रसन्न हुए, तो हमें लगा कि पिताजी जिसमें प्रसन्नता आ रही है अच्छा लग रहा है उन्हें वो काम हम करें जी। तो उनकी उनके पसंद के कार्य को किया। जो मेरे दो भाई हैं अंकित
शुक्ला जी हैं, एक जेपी शुक्ला जी हैं, ये इनका पूरा सहयोग रहता है जी जी। मतलब हम चारों ही लोग, पिताजी, तीनों भाई डेली विजिट रहता है। भाइयों देख रहे हैं, अगर परिवार का सहयोग मिलता है तो काम करना कितना आसान हो जाता है। पूरा बाहर का भी काम चलता रहता है भाई, वकालत भी चल रही है वकील साहब की, भाइयों की भी जो प्रोफेशन है वहाँ पे भी अपना पूरा करके चल रहे हैं। उसके अलावा समय से बारी बारी अपने इस फार्म को भी समय देते रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी पूरी तरह से देखभाल हो पाती है और अच्छी फसल मिल पाती है। वकील साहब एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं कि जैसे कि ये हमारी शिमला मिर्च यहाँ पे है और ये पॉलीथीन क्यों लगाई गई, मैं इसको नहीं समझ पाया कि भाई पॉलीथीन की क्या ज़रूरत पड़ी शिमला मिर्च के साथ साथ। ये मल्चिंग बोलते हैं जी, ये करीब करीब 30 माइक्रोन की पॉलीथीन है जी, जिससे कि इसमें खरपतवार है वो निकलेगा नहीं और ये प्रॉपर सफाई भी बनी रहेगी। और खरपतवार निकलने से बहुत सारी जैसे वाइट फ्लाई वगैरह है वो इसमें डेवलप हो जाती है, वो बहुत नुकसानदायक है, जो इस मेन क्रॉप को होना ही नहीं देती है। वो रीजन है इसको लगाने का। अच्छा, इसमें ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लगा है। हाँ। इसमें ड्रिप इरीगेशन से 70-80% पानी भी बचाया जा सकता है जी, वो एडवांटेज भी है। और इससे ड्रिप इरीगेशन और मल्चिंग से खरपतवार भी कंट्रोल होता है और दूसरे पानी भी कंजर्व रहता है इसमें जी। उसके अलावा वकील साहब ये जो डोरी बांधी गई इसका क्या यूज रहता है? ये जो पौधे को स्टेबिलिटी देने के लिए जब इस पर फ्रूटिंग होती है, ये आता है शिमला मिर्च है तो वजन हो जाता है तो पौधा इतना स्टेबल नहीं होता है, ये झुक जाता है, गिर जाता है जी। तो डोरी से इसको स्टेबिलिटी देने, डोरी पर चढ़ेगा ऊपर की तरफ ग्रो होके बढ़ेगा और फ्रूट जो है प्रॉपर इस पर सेट बने रहे, ये पर्पज है इसको। अच्छा एक चीज और जानना चाहूंगा कि मान लीजिए जैसे गर्मियों के दिनों में तो अपने यहाँ टेम्परेचर लगभग 40+ भी पहुंच जाता है कभी कभी, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए नेट हाउस में क्या तकनीक लगी रहती है? इसमें फॉगर्स लगाए हुए हैं हमने। अच्छा, जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जैसे ये लगे हुए हैं जगह जगह, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम सिंचाई के लिए चलता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फॉगर्स हमने लगाए हैं। भाई एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि वकील साहब ने यहाँ पे CCTV कैमराज भी लगवा रखे हैं। बहुत सारे भाई ये मुझसे बोल के चलते हैं कि भाई हम कैसे कर सकते हैं किसानी का काम, जमीन तो पड़ी है लेकिन देखभाल कौन करेगा। CCTV कैमरे लगवाने से आपका फार्म भी सुरक्षित रहेगा और अच्छे से भाई आप वहाँ पे अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही देखभाल कर सकते हैं कि कैसे आपके फार्म में काम चल रहा है। उसके अलावा ये बगीचे से फसल कितने समय की रहती है अपनी? ये करीबन 8-9 महीने की फसल होती है कैप्सिकम की जी, जो आपकी मई जून तक ये चलेगी। अच्छा, कलर कैप्सिकम है, पैकिंग होके कार्टून्स में जाती है प्रॉपर तरीके से और 250-300 ग्राम तक का एक कैप्सिकम हो जाता है। अभी जैसे हमें इस पे दिख रही है, जो भी कैप्सिकम दिख रही है वो सारी ग्रीन कलर की ही दिख रही है। हाँ। तो कलर कैप्सिकम क्या बचपन से ही कलर्ड होती है या बड़े होके कलर्ड हो जाती है? बचपन से जब ये फ्रूट आता है तो ग्रीन ही आता है जी जी, समय के साथ टेम्परेचर के साथ वो फिर उसका कलर चेंज होता है, क्योंकि अब सर्दियाँ रही है, अब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये नेट हाउस है तो उसमें अब कलर चेंज होना शुरू हो रहा है जी जी। और पॉली हाउस में टेम्परेचर उसमें जो इस समय ऑलरेडी ज़्यादा हो जाता है तो उसमें फास्टली कलर चेंज होता है, ये टेम्परेचर के साथ स्लो प्रोसेस से, नेचुरल प्रोसेस से होगा। अच्छा एक चीज़ और है, मैंने कहीं देखा था कि जो नेट हाउस में नेट यूज़ किया जाता है उसमें भी कुछ एक स्पेशल स्पेसिफिकेशन रहता है कि 50% सनलाइट आएगी या 70% आएगी, तो हम जो यहाँ पे यूज़ करके चल रहे हैं वो कौन सा नेट हाउस यूज़ करके? यहाँ 60% करीबन सनलाइट अंदर आएगी, इसमें वो नेट है। भाइयों जब भी आप इस तरह की कोई प्लानिंग करके चल रहे हैं, खुद से ना करके चलें, किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, जो लोग इस तरह का काम करके चल रहे हैं उनसे मिल के देखें, क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ क्लाइमेट यहाँ से अलग हो, तो प्रॉपर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है नुकसान से बचने के लिए। उसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि भाई खर्चा बहुत होता होगा, वो तो होता ही है, लेकिन फिर भी मैं वकील साहब से जानूंगा कि इस 1.5 एकड़ के नेट हाउस को लगवाने का लगभग कितना खर्चा आ जाता है? इसको लगवाने में करीब करीब 50 लाख रुपये का खर्चा है, जिसमें ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हॉर्टिकल्चर बोर्ड का सपोर्ट भी रहता है 50%, वो इस पर जो सब्सिडी भी मिलती है। अच्छा तो वो स्टार्टिंग में मिल जाती है सब्सिडी या फिर हमारा जब काम कंप्लीट हो जाता है? जब कंप्लीट हो जाता है, क्रॉप जो स्टार्ट हो जाता है उसके बाद इंस्पेक्शन होने के बाद तब मिलता है। अच्छा। उसमें लोन भी कराना पड़ता है। अच्छा। बैंक से लोन कराने के बाद सब्सिडी बाद में इसमें रिलीज होती है। वकील साहब एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे आप तो चले गए कचहरी और भैया चले गए अपने ऑफिस, तो ऐसी कंडीशन में फार्म पे कोई व्यक्ति तो देखरेख के लिए चाहिए रहता होगा?
इसके लिए हमारे डब्ल्यू आई है या व्यवस्थाएं सब देखते हैं। अच्छा अच्छा, ये जो इसकी जानकारी भी है इन्हें पूरी तरह से, और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं ये पूरी तरह से उसको जमीन स्तर पर उतारते हैं, फॉलो करके चलते हैं। भाइयों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रख के चलिए कि एक व्यक्ति आपकी एब्सेंस में ऐसा होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो और जो कि आपकी पूरी खेती आड़ी की देखभाल कर सकें। उसके अलावा उनको पूरी जानकारी हो कि भाई नेट हाउस फार्मिंग किस तरह से की जाती है, पॉली हाउस फार्मिंग किस तरह से की जाती है और कौन सी क्रॉप को किस किस समय क्या क्या सुविधाएं दे के चलनी है। अच्छा, अब हम चलते हैं बाहर की तरफ और मैं आपको दिखा के चलूंगा कि वकील साहब ने नेट हाउस में तो ये सारी फार्मिंग कर ही रखी है, ओपन में भी वो कई सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग करके चल रहे हैं। हम चलते हैं और उनको भी देखते हैं। तो वकील साहब, यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं भाई आपने टमाटर की भी फसल कर रखी है, बहुत अच्छी फसल कर रखी है। ये आपने पूरी तरह से ओपन में, ये भी ऑर्गेनिक ही है? जी, ये पूर्णतः ऑर्गेनिक है। जो एंटी फंगस यूज करते हैं हम इसमें, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, वही करते हैं। हमने कोई भी फंगीसाइड, केमिकल फंगीसाइड का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया इसमें, क्योंकि फंगस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है यहाँ। अच्छा, तो फंगस ही क्रॉप को ज़्यादातर ख़राब करता है, उसके लिए हम उसके लिए एक्टिव सॉल्यूशन बनाते हैं जी। ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, उसका एक्टिव कल्चर से बेसन और गुड़ डाल के कुछ 6 से 7 दिन में तैयार हो जाता है। उसको हम ड्रिप के साथ चलवा देते हैं और आवश्यकता अनुसार स्प्रे भी करा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी ओपन में भी ड्रिप इरीगेशन चल रहा है, आप देख सकते हैं भाइयों, जैसे कि ये पाइप पड़ा हुआ है, यहाँ से पूरी सिंचाई की व्यवस्था रहती है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा बगीचे, यहाँ पे जो टमाटर है मैं देख रहा हूँ इसमें जम के फ्रूटिंग है, तो इसके लिए आपने कोई स्पेशल दूसरी वेराइटी की फसल ली हुई है या जो हम नॉर्मल करके चलते हैं आम किसान वही है ये? नहीं, वही आम किसान करता है, वही टमाटर है इसमें। बट इसमें जो नेचुरल कंपोस्ट है, फार्म यार्ड कंपोस्ट बना है, जैसे कि ये खरपतवार से कचरे से हम बनाते हैं जी, वो कंपोस्ट है और गोबर खाद है इसमें, उससे कर रहे हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है बिल्कुल डार्क ग्रीन दिख रहा है जी, जी, जी। ग्रीन से मतलब एक ब्लैकिश कलर दिखता है, वो दिख रहा है, वो उसका रंगत पूरी उसी की है, देसी खाद। उसके अलावा वकील साहब, काफी जगह में है टमाटर, और कौन कौन सी फसल कर रखी है आपने? हमने पत्ता गोभी लगाया है, ब्रोकली लगाया जी, है जी, देखते हैं। लौकी भी है और आपके मूली भी है, ये सब लगाए हुए हैं। पालक वालक जो आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा सब लगाया है। अच्छा। हमारी ये अभी शुरुआत की पोजीशन है, तो हम देख रहे हैं कौन सी क्रॉप बेस्ट हो सकती है जी, सेलेक्ट करके फिर 8-10 क्रॉप इसमें टाइमली लगाया करें। जैसे ये पत्ता गोभी तो लगभग अब खत्म होने पे, मतलब पूरी लगभग सेल हो चुकी है। पत्ता गोभी और वो लगाए थे हम इसमें ब्रोकली जी, जो कि इसमें से पूरी तरह हार्वेस्ट हो चुकी है। और अब उधर जो ब्रोकली है, ब्रोकली अभी चल रही है, टमाटर भी चल रहा है, चल के हम देखते हैं। सीजन चेंज हो रहा है, सीजन चेंज के हिसाब से हमने नर्सरी भी तैयार की है। अब इस अगले सीजन की गोभी की नर्सरी तैयार है। अच्छा, हम जो गोभी लगाएंगे। बाकी से एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं कि यहाँ अपने आगरा में थोड़ा सा पानी बताया जाता है कि भाई वो उतना अच्छा नहीं है फसल के लिए, खारीपन है, तो आप जो ड्रिप इरिगेशन में पानी सिंचाई की व्यवस्था रखते हैं वो किस तरीके से रख के चलते हैं? यहाँ का पानी ज़्यादा अच्छा नहीं तो ज़्यादा ख़राब भी नहीं है जी, जी। और हमने कुछ इसमें ये कंडीशनर भी लगा रखा है, वाटर कंडीशनर, जो उसको काफ़ी TDS को कंट्रोल करता है। और ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा है जिसमें कि इसमें नेट हाउस में भी और ओपन में भी यही चलता, यही से जो इरिगेशन का कार्य पूरा। हम चलते हैं और फसल देख लेते हैं। ये हमने ड्रैगन फ्रूट भी लगाया है। अच्छा जी, ये टेस्ट हम कर रहे हैं कि यहाँ जो सरवाइव कर जाएगा नहीं कर जाएगा। ये तो बहुत स्वादिष्ट फल रहता है। हाँ, ब्रोकली सुपर वेजिटेबल है, तो ये सुपर फ्रूट है। ये ड्रैगन फ्रूट हमने 3 महीने पहले लगाया है, ये अभी अंडर टेस्टिंग है। अंडर टेस्टिंग है ये, और अगर ये सक्सेस होगा तो इसकी फार्मिंग भी हम शुरू कराएंगे। अच्छा अच्छा, उसके अलावा मैं देख रहा हूँ अमरूद वगैरह भी लगा रखा है आपने। हाँ, हाँ, जामुन के भी पेड़ लगा रखे हैं। हम देखते हैं आगे कि यहाँ पे वकील साहब ने भाई पालक कर रखी है और उसके आगे गोभी लगाई हुई है। इसमें से ब्रोकली हार्वेस्ट हो गई है जी जी। अब ये टमाटर है, आगे ब्रोकली है, वो भी फाइनली हार्वेस्ट हो जाएगी 2-4 दिन में। अच्छा अच्छा, ये टमाटर शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा ये 15 दिन में। अच्छा, यहाँ पे भी पूरा टमाटर है और उसके अलावा आगे ब्रोकली लगाई हुई है। बगीचा, एक चीज़ और, अगर कोई हमारा किसान भाई है जो इस तकनीक के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं
जो कि डरते हैं नई तकनीक को अपनाने से। तो वो क्या, अगर आपसे संपर्क करके चलें तो कैसे संपर्क कर सकते हैं और क्या आप उनकी मदद करने में सक्षम है, जानकारी देने में? पूरा सहयोग करेंगे उसमें हम, और हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं तो अपने क्षेत्र में कम से कम इसको जो हम पूर्णतः लोगों को हम बता पाएं, जानकारी देंगे इसके बारे। जी जी। अच्छा एक चीज़ और, जैसे सिंचाई के लिए मैं यहाँ पे देख के चल रहा हूँ आपने सोलर पैनल्स की व्यवस्था कर रखी है, तो ये कैसे विचार आया कि भाई बिजली का कनेक्शन हटा के, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग समर वगैरह बिजली नहीं पहुँची उसको यूज़ कर पाएँ? इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कुसुम योजना है जी, उसके अंतर्गत ये 7.5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया है, जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी रहता है, सब्सिडी भी रहती है। उससे ये है कि कम से कम जो एनर्जी है, जो कन्वेंशनल एनर्जी है, उससे इसको सिंचाई व्यवस्था को बनाया जा सके, जिससे कि हमारा खर्चा भी कम होगा, दूसरे हम पर्यावरण के अनुकूल कार्य कर रहे हैं, ये भी इससे खुशी मिलती है, हमें अच्छा महसूस होता है। भाइयों देख रहे हैं वकील साहब कितना सहयोग कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी सहयोग करके चलना चाह रहे हैं कि भाई आप लोगों को अगर जानकारी चाहिए, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उसके अलावा डिस्प्ले पर तो आपको दिख ही रहा होगा। अगर आप फार्म पर विजिट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वकील साहब ही मिलें, ये 4 लोग हैं, पिताजी हैं इनके और 3 भाई, कोई भी मिल सकते हैं। एक बार मैं वकील साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोगों का परिचय हमारे भाइयों से करा दीजिए, ताकि अगर कोई भाई विजिट करता है तो वो उसके लिए अननोन ना रहे। जी। तो वकील साहब जैसे किसी स्थिति में आप नहीं मिल पाते फार्म पे, तो कौन कौन मिल सकते हैं, एक बार हमारा परिचय करा दीजिए। ये पिताजी हैं श्री सुरेश चंद शर्मा जी, और प्रोफेशन से एडवोकेट हैं, इनकी पसंद की चीज़ है ये, और प्रेरणा स्रोत है हमारे। इन्होंने जो इस फसल को जब शुरू किया तो बड़ा अप्रिशिएट किया हमें जी जी, और आज इस स्थिति में इनके आशीर्वाद से हैं। और ये छोटा भाई है, ये इनसे भी छोटा भाई है, इनका पूर्णतः सहयोग होता है, रहता है यहाँ पर सुबह, मतलब इनकी विजिट सबकी हम चारों ही की रहती है, पर मेरी कम, सबसे कम रह पाती है, कहीं ना कहीं उलझन हो जाती है, तो इनकी विजिट रहती है, पूरा देखभाल ये रखते हैं और ये पूरे जानकारी रखते हैं इसकी, तो इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो यहाँ रहने वाले व्यवस्था जो डब्ल्यू जी है वो देखते हैं। ठीक है। अच्छा भैया का नाम जयप्रकाश जी है और उसके अलावा अंकित जी, आपको कोई भी व्यक्ति मिलते हैं पूरा सहयोग किया जाएगा, पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके अलावा भाइयों मेरा प्रयास बस यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ें, आधुनिक किसान तकनीक को अपनाएं, जिससे कि भाई आपका भला हो सके, देश के किसान का, सबका भला हो सके और पूरे देश का विकास हो सके। तो हम फिर से मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।